Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. So guys, अभी जा रहे हैं ड्यूटी. वैसे अभी बैंक में थोड़ा काम है तो बैंक में चलते हैं. चलिए फिर चलते हैं बैंक में. तो गाइस ये है बैंक, ये देखिए त्रिविंदा बैंक जागरेब. चलिए तो गाइस बैंक का काम निपट गया है और अभी फिर जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ. तो गाइस आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइब पूछ रहे थे कि ग्रोसरी का क्या सीन है, वहाँ पे ग्रोसरी का कितना खर्चा आता है. तो गाइस उस पर मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी. और ग्रोसरी का यहाँ पे तो गाइस अगर आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर साथ में करोगे रूम पे तो उसका 700 से 800 कुंदा मतलब ऐसे आता है इंडिया का, 7 से 8 हज़ार रुपये होता है मंथली. और अगर आप लंच अगर कंपनी प्रोवाइड करवाती है और अगर आप सिर्फ डिनर रूम पे करते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 रुपये ऐसे आता है खर्चा. और गाइस काफ़ी सारे सब्सक्राइब पूछ रहे थे कि फ़्लाइट चल रही है, फ़्लाइट का क्या सीन है, इंडिया से फ़्लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है. तो गाइस इंडिया से चल रही है फ़्लाइट अभी क्रोएशिया के लिए. मैंने उस पर वीडियो बनाया था पहले भी, लुफ्थांसा और KLM हो गई. और गाइस काफ़ी सारे सब्सक्राइब पूछ रहे हैं कि वहाँ पे हाउस ले सकते हैं कि नहीं. तो गाइस अगर आप यहाँ पे सिटीजन हो तो ही आप यहाँ पे हाउस ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते. क्योंकि यहाँ पे जो हम जैसे मतलब जो जॉब करता है वो यहाँ पे हाउस नहीं ले सकता. आप रेंट पे रह सकते हो यहाँ पे ओनली. अगर आपको सिटीजनशिप मिल गई तो आप ले सकते हो हाउस यहाँ पर. और गाइस क्रोएशिया के वर्क परमिट पे आप फैमिली बुला सकते हो, लेकिन उसका एक टाइमिंग है, आप 2 साल बाद बुला सकते हो. जब आपको यहाँ पे 2 साल हो जाएंगे, जब आपका दो बार TRC मिल जाएगा तो गाइस आप बुला सकते हो यहाँ पे फैमिली. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि फैमिली बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते. तो गाइस 2 साल बाद आप बुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें. और गाइस काफ़ी सारे सब्सक्राइब पूछ रहे थे कि फ़्लैट वहाँ पर अगर लेंगे तो क्या उसका कितना खर्चा आता है. तो गाइस अगर यहाँ पे आप फ्लैट लेते हो तो उसमें 3,000 कोने का आपको मिल जाएगा, बट आउट ऑफ सिटी होगा. थोड़ा सिटी में लेना है तो सिटी में महंगा पड़ेगा आपको, सिटी में पड़ेगा आपको 6 से 7 हज़ार कोना. तो गाइस अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो आउट ऑफ सिटी मतलब यहाँ से 30 मिनट लगते हैं सेंटर से जाने में ट्राम में, तो बस इतना ही है. बाकी यहाँ पे जो सिटी में है जो सेंटर में अगर आप लोगे या तो गाइस अगर आप सेंटर के इधर उधर लेते हो कहीं नज़दीक तो आपको महंगा पड़ता है वो, 7 से 8 हज़ार रुपये पड़ता है कोना. इंडिया का हो जाता है 70 से 80 हज़ार रुपये, तो काफ़ी महंगा पड़ता है. पनीर ले रहे हैं अभी यहाँ पे हम, ये देखिए यहाँ पे फ्रेश पनीर आता है, मिल्क फ्रेश है, सारा फ्रेश आता है यहाँ पे. ये देखिए पनीर ले रहे हैं हम अभी इनसे, ये देखिए गाइस आज काफी भीड़ है यहाँ पे, सैटरडे को काफ़ी भीड़ होती है. ये देखिए दस कूना कुल्लम, ये है खुमानी 16 कूना,
ये देखिए आड़ू 15 कोना है, सेब देखिए सेब यहाँ पे 10 कोना। तो गाइस आज काफ़ी भीड़ है, ये देखिए कैप्सिकम 2 किलो 10 कोना का। टमाटो 2 किलो है 10 कोना का, ये देखिए लगा होता है यहाँ। व्हाइट वाला कैप्सिकम है 4 कोना किलो। तो आई होप आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।